हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ नैनीताल ट्रिप पे, जो कि बहुत प्यारी होने वाली है। और आज मेरे संग जा रहा है अपना भोलू बादशाह। तो गाड़ी मैंने अपनी कर दी है रेडी, तो यहाँ से अब सीधा निकलते हैं नैनीताल की तरफ। तो गाइज, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं काला ढूंगी डांग बंगले में, और गाड़ी में हमने डीजल भरा लिया है। तो अब यहाँ से सीधा हम चलते हैं नैनीताल को, और नैनीताल की राइड यहाँ से हमारी बसती है 1 से 1.25 घंटे की, और यहाँ से आई थिंक 30 से 35 किलोमीटर यहाँ से नैनीताल है। और गाइज, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये वीडियो आज उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो यहाँ पे एज ए टूरिस्ट अपनी पर्सनल व्हीकल से आते हैं। तो आज हम उनको बताएंगे कि अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हो तो आप नैनीताल को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, कि आपको वहाँ पे जो रेंटल टैक्सी यूज ना करनी पड़े और ये सब आपको, तो आप पर्सनल गाड़ी से अपना नैनीताल के जितने भी टूरिस्ट पॉइंट हैं उनको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, तो ये आज हम आपको दिखाएंगे। तो ये वीडियो उनके लिए खास है, तो गाइस प्लीज इसे आखिरी तक जरूर देखें। तो गाइस, मैं यहाँ पे नैनीताल घूमने तो वैसे कई बार आया हूँ, पर मैं आज फर्स्ट टाइम अपने ये गाड़ी को ड्राइव करके जा रहा हूँ। तो इसका क्या बहुत मजा आ रहा है महिंद्रा थार को चलाने में, एक अलग ही एक्साइटमेंट है इसको चलाने की। तो गाइज, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पे, ये है खुरपाताल लेक व्यू। तो यहाँ से हम आपको दिखाते हैं खुरपाताल का लेक, और नीचे आप देखो, नीचे अभी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, नीचे प्रॉपर एक पूरा गांव बसा हुआ है, और नीचे सीढ़ीदार खेत भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। और इस तरफ देखो, ये है खुरपाताल का लेक जो काफ़ी फेमस है, और ये जो नैनीताल के जो टूरिस्ट पॉइंट है 12 से 15, उसमें से ये एक पॉइंट है। साथ में हाईवे से लगता हुआ यहाँ पे आपको एक टेंपल भी दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे काफ़ी फेमस ये मंदिर भी है, तो यहाँ पे भी लोग दर्शन के लिए आते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे खुरपाताल का भी जो है लुफ्त उठाते हैं। तो गाइज, ये है वुडलैंड वाटरफॉल खुरपाताल में। तो अगर आप यहाँ पे घूमने के पर्पज से आए हैं तो यहाँ पे विजिट जरूर करें, और आप अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो ये गाइज, हम पहुँच गए हैं वाटरफॉल के पास में, और कुछ इस तरीके का नज़ारा है, आप देखो। गाइज, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, और हम आ गए हैं सरिया ताल पे। आप इस तरफ देखो, यहाँ पे कितना खूबसूरत ये पानी का लेक है, और आप इसमें देख रहे हो सामने बोट भी है, इसमें बोट की भी सुविधा है, और इधर छोटे बच्चों के लिए वाटर बॉल भी इसमें है। तो और क्या बोलते हैं, आप मेरे इस तरफ देखो, यहाँ पे जिप लाइन की भी एक्टिविटी यहाँ पे कराई जाती है। आप मेरे इस तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी फेमस सरिया ताल का मैगी पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप मैगी खाने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत तगड़ी होने वाली है। आप इस तरफ देखिए पानी की कितनी सुंदर झील है, और यही पानी आगे इस लेक में भर रहा है, और आप देखो कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम में ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये है सुसाइड पॉइंट यहाँ पे नैनीताल का। तो अब आपको नीचे पास चल के अच्छे से दिखाते हैं सुसाइड पॉइंट यहाँ का, बने रहिए मेरे साथ। तो गाइज, यहाँ पे हम आ गए हैं सुसाइड पॉइंट पे, और आप इस तरफ देखो काफी गहरी खाई है, और आपने जो फर्स्ट पॉइंट कवर करा था खुरपाताल, उसका भी यहाँ से व्यू काफी अच्छा आ रहा है। आप उस तरफ देख रहे होंगे, आपको ताल दिख रहा होगा, और यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है, काफी ठंडी ठंडी यहाँ पे ठंडा लग रहा है। हमने सोचा नहीं था कि इतनी ठंडी यहाँ पे होगी आज, और अभी सुबह का भी टाइम है, तो काफी जो वेदर इतना बहुत प्यारा वेदर यहाँ पे हुआ है इस टाइम पे। तो गाइज, ये रही खाई पीछे सुसाइड पॉइंट की, और यहाँ पे कई बंदों ने प्यार में धोखा खा के सुसाइड किया हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम सुसाइड पॉइंट रखा है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, प्यार मोहब्बत धोखा है, कुछ काम कर लो यही मौका है, तो इस चक्कर में ना पड़े, कुछ गलत कदम ना उठाएं। तो आप यहाँ से गाइज चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को, और आप बने रहें विजय यूके वाला ब्लॉग्स पे, और आपको पूरा नैनीताल आज एक्सप्लोर करके दिखाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे अभी हमें भैया मिले हैं, अमित भैया, अमित भाई नाम है इनका, और ये अभी हमें मिले थे, और ये भी थार लवर हैं, तो ये भी यहाँ पे हमारी ये भी इनसे जान पहचान हो गई है। तो आप तो गाइस चलते हैं यहाँ से आगे नैनीताल को, और आपको नेक्स्ट पॉइंट में मिलते हैं चल के। गाइस लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए भैया के चैनल को, और ढेर सारा प्यार दीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस, अब हम आपको लेके आ गए लवर्स पॉइंट पे, तो आपको चलते हैं लवर्स पॉइंट आपको दिखाते हैं अच्छे से, और हम भी देखते हैं, मजे लेते हैं पूरे। और अगर आप लवर्स पॉइंट की तरफ को आ रहे हैं, और आप भुट्टे खाने के अगर शौकीन हैं, तो यहाँ पे आपको भुट्टे भी दिखेंगे। गाइस, हम चल रहे हैं एकदम उस लवर्स पॉइंट के लास्ट पॉइंट पे, और पत्थरों में काफ़ी यहाँ पे फिसलन है, तो यहाँ पे बहुत सावधानी से चलना पड़ रहा है, काफ़ी अभी एक दो बंदे गिर भी गए चुनाते रहे। तो गाइज, ये आ गए हम लवर्स पॉइंट, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का व्यू है, आप देखो इस तरफ कितने खूबसूरत पहाड़ है, और यहाँ पे आप
ग्रीनरी देखो कितनी प्यारी है, और नीचे बहुत गहरी खाई भी है। और आप ये देखो तो बहुत तगड़ा यहाँ से व्यू आ रहा है। आज इस समय मैं हूँ लवर्स पॉइंट के जो सबसे ऊंचा पत्थर है उसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। आप यहाँ से देखो कैमल पीक का व्यू है, एकदम साफ आ रहा है। और एज ए कपल आप यहाँ पे आते हैं तो ये पॉइंट स्पेशल आपके लिए ही बना है, लवर्स पॉइंट, तो आप यहाँ पे विजिट जरूर करें। तो गाइस यहाँ पे लवर्स पॉइंट की आप इस तरफ देखेंगे यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है, तो ये यहाँ पे अगर हॉर्स राइडिंग के शौकीन है तो आप ये एक्टिविटी यहाँ पे जरूर करें। तो गाइस काफ़ी भूख लग रही थी तो हमने यहाँ से अमरूद लिए हैं, तो इनको खाते हैं उसके बाद सीधा चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। गाइस यहाँ पे हम पहुँच गए हैं 12 पत्थर पे, और आप ये मेरे सामने देख रहे होंगे यहाँ से नैनीताल की दूरी बचती है 2 किलोमीटर। तो गाइस यहाँ से जो लेफ्ट को रोड जा रहा है पंगोट को, तो हम पहले उस तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे 3 से 4 पॉइंट पड़ते हैं, और यही अपनी पर्सनल व्हीकल से आने का आपको यही फायदा मिलता है कि आप नैनीताल से पहले ये सारे पॉइंट कवर कर सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं पंगोट की तरफ और वहाँ सारे पॉइंट कवर करते हुए फिर हम जाएंगे नैनी झील की तरफ नैनीताल को। जैसे हम अंदर आए तो ये पहला पॉइंट पड़ता है यहाँ पे सूखा ताल का, और इसकी खासियत गाइज ये है कि ये 6 महीने इसमें पानी रहता है और 6 महीने ये सूख जाता है, इसीलिए इसका नाम सूखा ताल है। और गाइज यहाँ से आप सूखा ताल व्यू से आप पूरा देख सकते हैं कि पूरी नैनीताल की सिटी आपको साफ दिखाई दे रही है। आ गए नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये है नैनीताल का मैंगो लेक पॉइंट। यहाँ से पूरा नैनीताल का लेक मैंगो की शेप का दिखाई दे रहा है, और गाड़ियों का शोर शराबा काफ़ी है तो इसलिए मैं काफ़ी लाउड बोल रहा हूँ। और यहाँ पे थोड़ा हम करते हैं यहाँ पे शूटिंग, तो आप थोड़ा निशानेबाजी आजमाते हैं अपनी कैसी है। तो ये नीचे वाली बोतल लेना, ठीक है भाई, किनले वाली पे लगाना। अरे वेल भाई लगा गया यहाँ पे, कितने हो गए अपने राउंड। तो गाइज अब हम आ गए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये है इको पॉइंट है ना सर। अब हम आ गए हैं इको पॉइंट पे, और इसकी ये खासियत है यहाँ पे आप जो भी जोर से यहाँ चिल्लाओगे वही आवाज़ लौट के आपको सुनाई देगी। तो अब हम ट्राई करते हैं, हम अपने चैनल का नाम लेते हैं, देखते हैं वापस आवाज़ आती है कि नहीं आती है। विजय यूके वालो आई भाई, आई ना, आई नहीं आई रही है। तो भाई जी बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है ये, अगर आप यहाँ आते हैं तो इस पॉइंट पे तो आप जरूर आए, काफ़ी मजा आ रहा है यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये भैया का हिमालय व्यू देखिए, ये हिमालय का व्यू देखने। तो ये भैया बता रहे हैं कि फॉग ज़्यादा है तो हार्ड लग है हमारा, आज हम देख नहीं पाएंगे, दिख नहीं रहा है बोले, 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे ये सब लगे हुए हैं, सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है सीधा ये दूरबीन। अरे भाई, अरे तो गाइज आप फॉग के कारण पूरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है हिमालय का व्यू, फिर भी देखो ये सिनेमेटिक में इतना खूबसूरत नज़ारा है आप जो देख रहे हैं, ये सामने हिमालय पर्वत है। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अगर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ आप भूलें ही ना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, और बाकी का नैनीताल आपको एक्सप्लोर कराते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइज वीडियो पर बने रहें।